Hi friends, my name is Kenny Gogia. I'm a career counselor, well-being coach. My address is to all the fathers. आप कहते हो आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो, डेफिनेटली करते भी हो, कोई शक नहीं है. बट आज इसका एक छोटा सा रियलिटी चेक करते हैं. वो ऐसे है कि आपको ये पता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने मदर्स के साथ स्पेंड करते हैं. उनके खाने पीने का ध्यान रखती है उनकी मदर, उनको पढ़ाई लिखाई करवाती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करती है, उनके साथ खेलती हैं, उनकी बातें सुनती हैं, उनके टैंट्रम्स वो बियर करती हैं, उनको पैम्पर करती हैं. नाउ यू आस्क योरसेल्फ दैट जिस मदर के साथ वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करती हैं, रादर जिस ह्यूमन बीइंग के साथ वो मैक्सिमम टाइम आपके बच्चे स्पेंड कर रहे हैं, क्या वो ह्यूमन बीइंग खुश है? आप उसको इनफ एक्नॉलेज कर रहे हो, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, उसको खुश रख रहे हो, उसमें बार बार नुक्स तो नहीं निकाल रहे, उसको बातों से टॉर्चर तो नहीं कर रहे? जस्ट इंट्रोस्पेक्ट. अगर आप ये नहीं कर रहे हो, आपकी वाइफ एकदम खुश है, डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे फादर हो, आप अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हो. बट अगर किसी न किसी वजह से आपकी वाइफ परेशान है, तो एक परेशान ह्यूमन बीइंग अपने बच्चों के साथ किस तरह का वो बिहेव करेगा? माँ तो तब भी अपने बच्चों का ध्यान रखेगी, पर अंदर से खुश नहीं होगी तो उसका रिजल्ट कैसा होगा? उसका सारा का सारा असर जो है वो आपके बच्चों पे पड़ रहा है. इसलिए ट्राई टू कीप योर वाइफ हैप्पी, एक्नॉलेज हर, अप्रिशिएट हर, लव हर, एक्नॉलेज हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन योर लाइफ. एंड दिस इज वाइस वर्सा एज़ वेल. सो इस चीज़ को ज़रा गौर कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट इट कैन रीच लॉट मैनी पेरेंट्स. एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. टेक केयर, बी बैलेंस्ड, बी हैप्पी.